बिल्कुल, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के माध्यम से दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैमरे में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा एमएलसी के जो प्रत्याशी है, इधर संतोष सिंह जी खड़े बैठे हुए हैं, ये एमएलसी के प्रत्याशी हैं। ये धर्मेंद्र सिंह राय जी हैं, ये एमएलसी के प्रत्याशी हैं। और इधर मोहित बेनीवाल जी, अशोक कटारिया जी, दोबारा मौका मिल गया है, क्या कहें। ये पार्टी की योजना है, पार्टी ने दोबारा काम करने का अवसर प्रदान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हूँ। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से सबसे पहले हम बात करेंगे। सर, एमएलसी के प्रत्याशी जिनको नामांकन करना है लगभग आपके पास मौजूद हैं, किस तरह से मौका दिया है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की कोशिश की, संगठन के भी चेहरों को आपने मौका दिया है। राज्य विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 13 सीटों का चुनाव होना है, उसमें हमारे एनडीए के 10 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं। 3 हमारे सहयोगी दलों के हैं और 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे सभी सीनियर कार्यकर्ता हैं पार्टी के लिए, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सबके योगदान को देखते हुए हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। अपने कार्यकर्ताओं को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। बिल्कुल, संकल्प को पूरा करेंगे। महेंद्र सिंह जी, सर दोबारा मौका मिला है, आप संगठन में लगातार काम, तीसरी बार मौका मिला है आपको, संतोष सिंह जी कह रहे हैं। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबके मैं आभारी हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अवसर दिया है और मैं इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब इधर संतोष सिंह जी बैठे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सबसे पहले सर, ये जो मौका दिया गया है, इसमें लोकसभा चुनाव नजदीक है, जो सहयोगी दल हैं उनको भी मौका दिया है, 3 सीटें उन्हें भी दी। हमारे एनडीए के 10 साथी आज नामिनेशन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोग हमारे साथी हैं और नामिनेशन करेंगे आज। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे मतलब उपवन में सभी प्रकार के लोगों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया है हम सबको। हम सब प्रणाम करते हैं, बधाइयाँ देते हैं अपने सभी प्रत्याशियों को, वरिष्ठ के साथ साथ जो हमारे सीनियर्स लोग हैं उनका सभी का सम्मान हुआ। बिल्कुल, संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपको एमएलसी का प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, किस तरह से देखते हैं। मैं लंबे दिनों से संगठन का काम कर रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे सदन में भी भेजने का निर्णय लिया, इसके लिए मैं दोनों नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विचार को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हमसे होता है वो करते रहते हैं, इस प्रयास को और तेज किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया है या नारा दिया है कि 80 में 80, वो 80 में 80 में जीतने में हम लोग सब सिपाही की भूमिका में लगे। बिल्कुल, और भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये मोहित बेनीवाल जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी हैं। जेपीएस जी, हमेशा की तरह आपके हाथ में फिर एक कागज है, आज एमएलसी के प्रत्याशियों का नामांकन कार्यक्रम है, किस तरह से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 प्रत्याशी और सहयोगी दलों की ओर से 3, कुल मिला के 10 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ नामांकन करने जा रहे हैं। और नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सहयोगी दल के आशीष पटेल जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और राष्ट्रीय लोक दल के नेतागण, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और हमारे 10 के 10 प्रत्याशी जीत कर उच्च सदन में पहुंचेगी। आरएलडी से जो एमएलसी के प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है आरएलडी से एमएलसी के प्रत्याशी, इनसे बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं। आरएलडी को भी मौका दिया है यानी कि भाजपा ने सहयोगी दल को भी एक सीट दी है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और इसी गठबंधन की वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे सौभाग्य की वजह यही वजह है, पूरी पार्टी का आभार है बहुत। ये आरएलडी से एमएलसी के प्रत्याशी हैं, ये नामांकन के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, सबसे जो चर्चित चेहरे, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर,
इस धरती के सबसे बड़े नेता अपने आप को बताते हैं, इनसे हम बात करते हैं और वाकई इनसे हम बात करते हैं। सर आपको भी एक सीट है MLC की, आज आप भी नामांकन के लिए अपने प्रत्याशी को लेकर जाए। ये मालिक इन्हीं से पूछो भाई, हम मालिक को बैठे हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी है। राजभर जी वैसे तो आप बोलते हैं, आज बोल ही नहीं रहे हैं, भाजपा कार्यालय में कम से कम आज तो आप बोलिए, आप लाइव हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आज MLC के प्रत्याशियों का नामांकन है? देखिए जो NDA ने संकल्प लिया है 400 प्लस का, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीतने के लिए हम लोग पूरी कमर कसे हैं, उसी की एक झलक आज जो देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता विधान परिषद जा रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी ने जो जिले की जिम्मेदारी, मंडल की जिम्मेदारी, आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल के, पार्टी ने उनको भारतीय समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया है और वो पर्चा भरने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने भी 3 प्रत्याशी उतारे हैं, अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? अब अखिलेश जी के हम का कहीं जानत ना हुआ, पिताजी की विरासत पर मुख्यमंत्री बने CM, और CM की कुर्सी पर इतनी मेहनत किए कि MP बन गए, फिर इतनी मेहनत किए कि MLA बन गए, आप बेचारे मेहनत कर रहे हैं का बने के उन्हीं से पूछिएगा। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनको विभाग का इंतजार है और इनके भी जो MLC के प्रत्याशी हैं वो बाहर हैं, हालांकि भी बात करेंगे। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें News 18 पर। धर्मेंद्र जी हमारे जी जी सबके लोग, धर्मेंद्र सिंह राय जी हैं। सर क्या कहेंगे, आपको प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है, चौंकाने वाले चेहरे हैं आप। आदरणीय प्रधानमंत्री, काशी के सांसद हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश का नेतृत्व करें, विश्व के नेता हैं पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, हम सब कार्यकर्ताओं ने बहुत लगन से काम किया है। हमारे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने अवसर दिया, हम लोगों का सौभाग्य है और हम 80 सीटें यूपी से जीतेंगे, 400 पार करेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। अभी काशी में जो उत्साह दिखा वो पूरी दुनिया में दिख रहा है कि बाबा का जो कॉरिडोर बना है, जो बनारस में विकास हुआ है, वो मॉडल है पूरे देश के लिए कि किस तरह से एक सांसद अपने क्षेत्र का विकास करता है। काशी आज मॉडल है, तो काशी पूरी दुनिया को संदेश देती रही है। मैं काशी से हूँ, मेरा सौभाग्य है कि शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हमारे पर भरोसा जताया है। हम पूरे निष्ठा से जितनी विचारों को, अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एक बार हम ये तस्वीरें फिर एक बार दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये MLC के ये भी प्रत्याशी हैं, झांसी से पूर्व में मेयर रहे हैं, बुंदेलखंड में से आप प्रत्याशी पूरे, हालांकि MLC के प्रत्याशी हैं लेकिन बुंदेलखंड के लिए एक पार्टी का विशेष मैसेज है कि वहां पे प्रतिनिधित्व आपको दिया है, किस तरह का समीकरण लोकसभा चुनाव में देखते हैं? लोकसभा चुनाव का जो भी समीकरण है, आप ये मान लीजिए कि जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, वो प्रमाणित करके देश की जनता दिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस नारे को सफल प्रमाणित करके दिखाने वाला है। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो MLC के प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें पूरब से लगाकर पश्चिम, बुंदेलखंड, यानी कि सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है, सभी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत निशान, News 18 लखनऊ।